तो भाई जी और बहनों, स्वागत है व्लॉग में। एक और नया थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग होने वाला है, तो कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ इस बार में। बहुत बार होगा कि लाइक कैमरा हाथ में पकड़ के व्लॉग करना हो गया थोड़ा बहुत, अपन थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग भी ट्राई करेंगे। वाह बात अलग है, मुझसे होती नहीं है बट करेंगे थोड़ा बहुत। तो देखो भाई, कॉन्टेक्स्ट जो में क्या है, कल है अपना CUT का एग्ज़ाम। हाँ, मैं ट्वेल्थ हो गई मेरी पास। जिसने भी नहीं देखा ट्वेल्थ में कितने नंबर आए हैं, पिछला व्लॉग है भाई, जाके देख लो। करे क्या रहे हो तुम, मुझे ये बता दो, ठीक है? जाके देख लो उस व्लॉग को। और हाँ, कल है एग्ज़ाम, ठीक है, 5 तारीख को। और अभी तक, लिटरली अभी तक, ना मैंने अपना आधार कार्ड लेके आया, ना मैं अपना एडमिट कार्ड निकलवा के लाया, ना मैं अब तक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आया हूँ। तो देख रहे हो तुम मेरी हालत क्या है फ़िलहाल। अभी इस तरीके से ले आऊँगा मैं अच्छे नंबर, हो जाऊँगा पास, मिल जाएगा मुझे DU में एडमिशन। हाँ, सही सोचा तुमने, नहीं मिलेगा। प्रातःकाल सुबह 8 बजे उठने की करता हूँ थोड़ी बहुत मैं एक्टिंग। हाँ यार, व्लॉग बना रहा था, थोड़ा सा एक्टिंग कर ली जाए, क्या पता कोई संजीला भंसाली ने पिक्चर में ले ले कि भाई बहुत अच्छा एक्टिंग करता लड़के, तो आ जा। बात अलग है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, बस ये ख्याली पुलाव है मेरे। मेरी आंखें अब सुना दो के निकलते हैं। यार कितना बेकार लग रहा है, मैं भी एक मतलब अच्छा लगता है कैमरे में बारी। बच्चों निकलते हैं फटाफट से, अपना अकेले जा रहा हूँ इस बारी, कोई दोस्त नहीं अपने साथ क्योंकि किसी का पेपर पढ़ ही नहीं रहा। और अब निकलते हैं, अकेले सफ़र तय करना पड़ेगा यार, नोएडा तक का। नोएडा में एग्ज़ाम है, मैं जा क्यों रहा हूँ यार, पढ़ा तो कुछ नहीं मैंने। कोई ना, हम पढ़े, हम बिन पढ़े बिना पढ़े भी एग्ज़ाम दे देते हैं, उसमें भी अपन फेल हो जाते हैं, तो कोई ना, इसमें फेल हो जाएंगे, बापू लगा देगा अपन को काम पे। हाँ, दिहाड़ी भी काम पे लगा देगा। फिलहाल में निकलता हूँ देखा, चलो भाई मिलता हूँ रास्ते में, फिर कुछ हुआ बताने के लिए तो ही रुकूँगा, वरना तो इतना नोएडा। तो भाई बैठा है मेट्रो में, पहुंचा राजीव चौक। हाँ, ये वही राजीव चौक है जहाँ बटवे क्या इंसान तक गायब हो जाते हैं, पर तुम्हारा भाई माँ सही सलामत बाहर आया है, अपने डेस्टिनेशन पहुंच गया। मुझे जाना था नोएडा सेक्टर 64 में, तो मुझे 62 में उतरना था, वहाँ से लेना था ऑटो। और भाई जब वहाँ से ऑटो से मैंने उतरा ही था, तो भाई उनकी बहनों पहुँच गए नोएडा। अभी देखा जाना कैसे यार, माँ बंदे करें, अरे एंटी, चलो चलो चलो, सेंटर एग्ज़ाम सेंटर भाई, ₹10। मैं कहा भाई चलो, 10 रुपये सवारी कोई बुरी नहीं है, 5 मिनट का रास्ता था, अपन उसमें गए बैठ के। जो तुम भीड़ देख रहे हो ना, हाँ, वहाँ के भंडारा नहीं बढ़ रहा, ना कोई आंदोलन चला, ना मोदी आया, ये इतने सारे माँ बाप आए हैं बच्चों का एग्ज़ाम दिलाने। भाई एक बच्चा, उसके घर वाले चार भाई, चाचा मामा फूफा सब लिया भाई, भंडारा हो रहा वहाँ, तो बालक ही बालक भरे पड़े। बालक तो छोड़, बालक तो कम थे, बालक के तो माँ भाई भरे पड़े भाई, खूब सारे इतने थे भाई, जगह नहीं थी पैर रखने की। फिर तुम्हारा भाई जैसे जैसे अंदर गया, अंदर जाने के बाद भाई मेरे साथ कोई नहीं था, मैं जा रहा था, मैं गया था अकेला। तो फिर उन्होंने गार्ड ने पहले बोल दिया कि भाई तुझे बैग अंदर लेने जाने देंगे, बैग अंदर नहीं ले जाने देंगे, बाहर निकल जाए, एग्ज़ाम मत दे। भाई मैंने भाई बहुत गिड़गिड़ाया, मैं रोया उनके सामने कि भैया जान दो भैया, बच्चे का सवाल है, पर उन्होंने कर दिया मना। फिर कर अपने दोस्त के भाई को फ़ोन, वो आया, फिर उसने मेरा बैग लिया, तब मैं जाकर पेपर दिया। फिर उसके बाद पेपर अपना जस्ट ख़त्म हुआ और अपन आए बाहर वहाँ से सेंटर से। फिर उसके भाई से मैंने लिया बैग, फिर मैं ज़रा रिलैक्स हुआ, पता है क्यों? भाई लोग अपना एग्ज़ाम हो गया कैंसिल, एल लगे पड़े हैं भाई, सही बताऊँ ना, क्या ही करूँ अब आओ, फिर 12 तारीख को फिर आओ एग्ज़ाम देने। पढ़ा कुछ नहीं मैंने, ब्लॉग बना के डालता रहता हूँ, तुम देखते नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, कहते ख़राब हो रखी ज़िंदगी यार। हाँ, थोड़ा सा मैं गुस्से में था, पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान भी नहीं कर सकता ना, वरना पब्लिक मेरी तोड़ देगी, स्थिति कर देगी, मतलब समझ जाओ, तो फिल्म बैलेंस भर लो मेरी। भाई फाइनली घर पहुंच गया हूँ खस्ता हालत में, और अब पेपर है 12 तारीख को, तो अब तुमने सोचा था मैं पढ़ूंगा, अरे मेरा कद्दू पढ़ा है, पेपर कैंसिल हो तो क्या हुआ? अरे मेरा बच्चा, लो पेपर पोस्टपोन हो, चिंता नहीं लेने का, लग से भाई का व्लॉग देखने का और बर्गर खाने का। हाँ मेरी जान, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।